नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर है। गरियाबंद का राजधानी से संपर्क कटा। रायपुर जगदलपुर हाईवे बंद। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की चिंता हुई दूर। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और कांकेर जिलों और उनसे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वही रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, बलौदा बाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में भारी वर्षा की कम स्तर की चेतावनी आई है। वही कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की यह चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए है। इनमें से अधिकतर इलाकों में के हालात पहले से बने हुए हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह 10 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रायपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई उससे एक पक्षी टकरा गया। इसकी वजह से विमान का टेक ऑफ रोकना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार इसमें सवार केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत 179 यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक ही दिन के बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिला मुख्यालय सहित शहर की कई कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया है। पैरी सहित कई नदियां हैं उफान पर। रायपुर गरियाबंद नेशनल हाईवे पर 2 फीट पानी बहने से उसे बंद कर दिया गया। इस दौरान SDRF की टीम ने मजरकट्टा में चीखली नदी की तेज धार में फंसे 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया। वह करीब 6 घंटे से बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। इसमें भाषण प्रतियोगिता के जरिए नेता चुना जाएगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को युवा कांग्रेस अपना प्रवक्ता नियुक्त करेगी। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में राजमेरगढ़ के रमेश बैगा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चाय मीठी पिलाने का अफसोस आज भी है। रायपुर की ज्वेलरी शॉप में 2 लाख की चोरी। दुकान की दीवार में छेद करके घुसे चोर सोन की बालियां, पायल और अंगूठियां लेकर भाग गए। बलरामपुर में मधुमक्खियों ने ली युवक की जान। लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था युवक, बैलेंस बिगड़ने से गिर पड़ा। पेड़ से नीचे मधुमक्खियों ने किया हमला। प्रदेश में कोरोना के 38 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले साल 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा शून्य आया है। राजधानी समेत पूरे जिले में सोमवार को 2700 अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इतना ही नहीं, रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटों में शून्य हुई है मौतें। बूढ़ा तालाब की सड़क बंद कर बना दिया गया है गार्डन। हाईकोर्ट ने नियुक्त किया है कमिश्नर। रायपुर में दौरा कर लोगों से पूछेंगे क्या तकलीफ हो रही है। यही से कॉलेज, स्कूल और खेल के मैदानों का है रास्ता।